सब दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ, वो अपनी बात बहुत से जगह कही और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक 3600 किलोमीटर चलना और लोगों के विचार को सुनना और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहाँ पर जो सदन में मैं देखता हूँ, सदन के बाहर भी मैं देखता हूँ कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं, बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल MPs मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। देखिए ये क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाव नहीं है, समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते, समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं, समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो। अरे उसके घर में जाके खाना खाके शो मचाते हो, हमने आज सरुकाश के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकाल कर टीवी में ये बताते हैं ये सरुकाश के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है नहीं ओ, 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 अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल जब धर्म एक है, ऑनरेबल LOP जब धर्म एक है, वन सेकंड ऑनरेबल LOP प्लीज सर 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 सर, आई कैन इन्फॉर्म मिस्टर जयराम रमेश LOP डजंट नीड योर सपोर्ट, नो लीडर ऑफ अपोजिशन नोज हाउ टू हैंडल हिज अफेयर्स, every time you get up whether it is Digvijay Singh or someone else that is not appropriate, every member in the house stands on his own leg, one second please, one second LOP brings on the table huge experience of decades, when sitting in the chair I find the gestures of LOP are little beyond his normal discourse. It is my bounden duty to request him to maintain composure. Sir, we are not in aggressive mode. This house is meant for sober dialogue with sobriety so that we understand each other's point of view. It, Honorable LOP will bear this in mind. This is my request. Please. Sir. मैं दुख के साथ कहता हूँ मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम कौन लगाते हैं उसी को महसूस होता है, जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं मलम तो उसी को मालूम होता है, जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से जाति के नाम से भाषा के नाम से वहां भी नफरत, नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो,
और सर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछू कि आप चुप क्यों बैठे हैं? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है, समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुपी साधने के वजह से और आप मोनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट गई।